रंका प्रखंड के सभी शिक्षकों को कोरोना का वैक्सीन टीकाकरण किया जा रहा है। इस संबंध में रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीपीएम सुधीर कुमार ने बताया कि आज रंका प्रखंड के सभी शिक्षकों को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण किया जा रहा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन तीन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षकों को दिया जाना है। पहला प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन है, दूसरा प्रक्रिया वेटिंग रूम में रखा गया, तीसरा प्रक्रिया लिस्ट मिलाकर शिक्षकों को वैक्सीन दिया जा रहा है। उसके बाद सभी शिक्षकों को आधा घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जा रहा। उन्होंने कहा कि आज 300 का टारगेट है। इस संबंध में शिक्षक धीरज सिंह ने बताया कि वैक्सीन में किसी प्रकार की कोई हताहत की बात नहीं है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। वैक्सीन लगाने का जो प्रक्रिया है वो तीन तरीके से है। पहला है कि उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद उनको वेटिंग रूम में बैठाया जाता है, फिर वहाँ पे लिस्ट से मिला करके फिर उनको सुई लेने के लिए भेजा जाता है वैक्सीनेशन रूम में। उसके बाद उनको ऑब्जर्वेशन के लिए करीब आधा घंटा रखा जाता है। आज करीब करीब हमारा 300 का टारगेट है, 300 शिक्षकों को वैक्सीन देने का, जो कि काफ़ी निरंतर चल रहा है और काफ़ी अच्छा अभी चल रहा है। अब शाम तक हम कंफर्म कर पाएंगे कितना लोगों को हम लगा पाएंगे।